नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी जानते हैं कमर दर्द और पीठ दर्द के बारे में पूरी जानकारी। पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य सुने ताकि क्यों होता है ये, क्या लक्षण है और क्या इसका इलाज है, पूर्ण रूप से जानेंगे इस बारे में। कमर दर्द बहुत आम है और आमतौर पर कुछ हफ्तों या महीनों में बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है। कमर दर्द में आमतौर पर पीठ में दर्द, खिंचाव या अकड़न महसूस होती है। यद्यपि कमर दर्द कष्टकारक और असहज हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर गंभीर नहीं होता है। कमर दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिसमें से अचानक की जाने वाली कोई गतिविधि या गिरना, चोट या चिकित्सकीय स्थिति शामिल होती है। दर्द सामान्य रूप से हड्डियों, डिस्क, नसों, मांसपेशियों और स्नायु बंधन द्वारा मिलकर की जाने वाली गतिविधियों के तरीके पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग अपने जीवन में कभी न कभी कमर दर्द का अनुभव अवश्य करते हैं। यह 35 और 55 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के वयस्कों में मुख्य रूप से आम बात होती है। यदि आप कमर दर्द का अनुभव कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा सीमित न करें। यहाँ तक कि अगर आपकी कमर में बहुत दर्द हो रहा हो तब भी धीरे धीरे काम करना जारी रखें, बिस्तर पर सीधे लेटे रहने से बेहतर है। यदि आप अपनी कमर को हिलाते डुलाते रहेंगे तो यह अधिक लचीली हो जाएगी। बार बार होने वाले कमर दर्द को रोकने या राहत देने के लिए कई उपाय उपलब्ध हैं। यदि रोकथाम से कोई फायदा नहीं मिलता है तो सरल घरेलू उपचार और उचित शारीरिक प्रक्रिया अक्सर कुछ हफ्तों के भीतर आपके कमर दर्द में राहत दिला देगी आपको और इसे लंबे समय तक ठीक रखेगी। बहुत दुर्लभ मामलों में ही कमर दर्द का इलाज करने के लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, अब आइए जानते हैं कमर दर्द के लक्षणों के बारे में, यानी कि इसे पहचानेंगे कैसे। लक्षण वो होता है जो मरीज स्वयं महसूस करता है और उसकी जानकारी देता है, जबकि संकेत अन्य व्यक्तियों जैसे कि डॉक्टर द्वारा पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए दर्द एक लक्षण हो सकता है, जबकि चकते को संकेत कहा जा सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कमर दर्द का मुख्य लक्षण कमर में कहीं भी होने वाला दर्द या पीड़ा है। कभी कभी यह नितंबों और पैरों तक भी पहुंच जाता है। पीठ से संबंधित कुछ समस्याएं शरीर के अन्य भागों में दर्द का कारण बन सकती हैं, जो प्रभावित तंत्रिकाओं पर निर्भर करता है। ज्यादातर मामलों में संकेत और लक्षण थोड़े समय के भीतर अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर कमर दर्द के साथ साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाई दें तो आप अवश्य डॉक्टर से संपर्क करें। आपका वजन घटना, शरीर का तापमान बढ़ना, कमर पर सूजन आना, कमर में लगातार दर्द होना और लेटना या आराम न कर पाना, यानी कि जो कि मदद न मिल पा रही हो इस कार्य में आपके शरीर से, दर्द का कमर से पैरों तक जाना, दर्द का घुटनों के नीचे तक जाना, हाल ही में कमर पर लगी चोट, झटका या आघात, मूत्र असंयम, आप अनजाने में पेशाब कर देते हो, पेशाब करने में कठिनाई, मूत्र बाहर आने में परेशानी होती है, मल असंयम, आप अपनी आंतों पर नियंत्रण खो देते हैं, जी हाँ, जननांगों के आसपास सुन्नता हो जाना, गुदा के चारों ओर सुन्नता हो जाना, नितंबों के आसपास का स्थान सुन्न हो जाना। कमर दर्द का अनुभव करने वाले लोगों को कुछ चिकित्सा का ध्यान रखना चाहिए। 20 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग, जो मरीज कुछ महीनों के लिए स्टेरॉयड ले रहे हैं, नशीली दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोगों को भी ये हो सकता है, कैंसर से पीड़ित मरीज को भी ये समस्या हो सकती है, जिन रोगियों को कैंसर रह चुका है उनको भी ये समस्या हो सकती है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को भी ये हो जाया करती है। अब इसके कारणों को जानते हैं, क्योंकि कारणों को जानेंगे तभी इसका इलाज सही से संभव है। सबसे पहले कारणों को काटना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, मनुष्य की कमर मांसपेशियों, स्नायु बंधन, नसों, डिस्क और हड्डियों की एक जटिल संरचना से बनी होती है। हमारे रीढ़ की हड्डी के खंडों को डिस्क द्वारा जोड़ा जाता है। इन घटकों में से किसी के साथ भी होने वाली समस्या से कमर दर्द हो सकता है। कमर दर्द के कुछ मामलों में इसका कारण कभी पता नहीं चल पाता है। जी हाँ, खिंचाव। जी हाँ, कमर दर्द के सबसे सामान्य कारणों में से ये एक है। मांसपेशियों में खिंचाव, तनावपूर्ण स्नायु बंधन, मांसपेशी में ऐंठन होना सामान्य बात होती है। इस स्थिति में जो चीज़ें खिंचाव या ऐंठन पैदा कर सकती हैं उनमें शामिल हैं किसी वस्तु को अनुचित तरीके से उठाना, बहुत भारी सामान उठाना, बेढंगी और अचानक की जाने वाली गतिविधि। इसके अलावा संरचनात्मक समस्याएं भी होती हैं। जी हाँ, विच्छेदित डिस्क, हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद प्रत्येक
कशेरुका डिस्क द्वारा जुड़ी हुई होती है। यदि डिस्क टूट जाती है तो तंत्रिका पर अधिक दबाव पड़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कमर दर्द हो जाता है। डिस्क में उभार, जी हाँ, टूटी हुई डिस्क की तरह ही एक उभरी हुई डिस्क तंत्रिका पर अधिक दबाव डाल सकती है। कटी स्नायु शूल, जी हाँ, जिसे साइटिका भी बोलते हैं, एक तेज और घातक दर्द जो कुल्हे के माध्यम से होते हुए पैर के पिछले हिस्से के नीचे तक जाता है। यह दर्द उभरी हुई या हार्निएटेड डिस्क के कारण एक तंत्रिका पर दबाव बढ़ाने के कारण होता है। इसके अलावा गठिया, जी हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित रोगियों को सामान्यतः कुल्हों, पीठ के निचले हिस्सों, घुटनों और हाथों के जोड़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें दर्द होता रहता है। कुछ मामलों में स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की हड्डी का संकुचित हो जाना भी संभव होता है और विकसित हो सकता है ये, जिसमें रीढ़ की हड्डी के आसपास की जगह संकीर्ण हो जाती है। रीढ़ का असामान्य रूप से टेढ़ा होना, जी हाँ, यदि रीढ़ असामान्य तरीके से टेढ़ी हो जाती है तो मरीज को कमर दर्द होने की अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, रीढ़ की कशेरुकाओं सहित अन्य हड्डियां नाजुक और खोखली बन जाती हैं, जिससे संपीड़न फ्रैक्चर होने की अधिक संभावना रहती है। रीढ़ की हड्डी का कैंसर होना, जी हाँ, रीढ़ पर विकसित ट्यूमर तंत्रिका पर दबाव डाल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कमर दर्द हो सकती है। रीढ़ की हड्डी का संक्रमण, अगर रोगी के शरीर का तापमान बहुत अधिक यानी कि बुखार है, साथ ही साथ कमर का हिस्सा भी गर्म है, तो ऐसा रीढ़ की हड्डी के संक्रमण के कारण हो सकता है। ये कारण होते हैं जिनकी वजह से होता है, जैसे कि अन्य कोई संक्रमण हो, आपको नींद संबंधी विकार हो यानी कि आप सो नहीं पा रहे हो तो भी कमर दर्द होती है, दांत खाज खुजली की स्थिति में होती है, खराब गद्दे पर सोते हैं तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपके पोस्चर सही नहीं है बॉडी, तो भी अजीब तरीके से अगर आप झुक जाते हैं, किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं या खींचते हैं, कोई सामान ढोते हैं या किसी वस्तु को उठाते हैं जो वजन ज़्यादा हो उसका, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लंबे समय तक झुके रहते हैं या झटके लगते हैं आपको, खांसते हैं बहुत ज़्यादा, छींकना होता है असामान्य तरीके से, इसलिए भी दर्द हो सकता है। मांसपेशी में खिंचाव, अधिक खिंचाव इसकी मुख्य वजह हो सकती है। गर्दन को आगे की तरफ ले जाना, जी हाँ, जैसे कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हों या कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हों तो अक्सर लोग फेस को आगे निकाल लेते हैं, ये भी कमर दर्द का कारण बन सकता है। अब जानते हैं इससे बचाव कैसे हो सकता है। जी हाँ, व्यायाम इसके लिए सबसे मजबूत पक्ष है। नियमित रूप से की जाने वाली कम प्रभावी एरोबिक गतिविधियाँ आपकी कमर में खिंचाव या झटका नहीं लगने देती हैं। ये आपकी कमर को मजबूती एवं स्थिरता प्रदान करते हैं और आपकी मांसपेशियों को अच्छे तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। सैर और तैराकी करना सबसे अच्छा विकल्प होता है इसके लिए। इसके अलावा मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाएं। जी हाँ, पेट और पीठ की मांसपेशियों के व्यायाम इन मांसपेशियों की हालत में सुधार करता है, जिससे वे मिल करके आपकी कमर के लिए एक प्राकृतिक कोरसेट का कार्य करते हैं। आपके कुल्हों और पैरों के ऊपरी भागों में लचीलापन आपकी पेल्विक हड्डियों को संरेखित करता है, ताकि आपकी कमर को आराम मिल सके। आपके डॉक्टर या शारीरिक चिकित्सक बता सकते हैं कि आपके लिए कौन से व्यायाम उचित होते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। जी हाँ, अधिक वजन कमर की मांसपेशियों के खिंचाव को उत्पन्न कर देती है। यदि आपका वजन अधिक है तो उसे कम करने से कमर दर्द को रोका जा सकता है। इसके अलावा ठीक तरह से खड़े हों, जब भी खड़े हों तो सही तरीके से खड़े होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा बैठे भी सीधे होकर के, सीधा बैठे, कभी बहुत सारे लोगों को आदत होती है एक पैर पर पूरा वजन दे करके खड़े होते हैं या बैठते हैं एक साइड होकर के, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि सतर्कता के साथ आप भार उठाएं, यानी कि वजन उठाते वक्त ध्यान रखें कि बैठ करके उठाएं, न कि झुक करके उठाएं। कमर दर्द का परीक्षण भी बहुत जरूरी होता है और इसके बाद इसका इलाज। तो अब आइए जानते हैं इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। अधिकतर दीर्घकालिक कमर दर्द घरेलू उपचार से कुछ हफ्तों में बेहतर हो जाता है। आपको ओवर द काउंटर मिलने वाले दर्द निवारक और गर्म सेक या बर्फ के उपयोग की जरूरत पड़ सकती है। बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। इस स्थिति में अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक काम करना जारी रखें। हालांकि गतिविधि करने की कोशिश करें, हल्की हल्की करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, जैसे कि चलना और दैनिक जीवन की गतिविधियां। उन कामों को न करें जिनसे दर्द बढ़ता है, लेकिन दर्द से डरकर काम करने से न बचें। यदि घरेलू उपचार से कई हफ्तों के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से मशवरा जरूर करें और दवाइयों का उपचार
अवश्य लेना स्टार्ट करें। आपके कमर दर्द के प्रकार के आधार पर डॉक्टर कुछ एक दवाइयाँ आपको सजेस्ट करेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगी। जी हाँ, इसके अलावा शारीरिक चिकित्सा और व्यायाम अवश्य करें जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी समस्या बढ़ती गई तो आपको इसके लिए ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, सर्जरी करानी पड़ती है। तो उस स्थिति को ना आने दें, एक्सरसाइज जारी रखें हर रोज, इसीलिए ज़रूरी है एक्सरसाइज करना ताकि आप सभी स्वस्थ रह सकें, नहीं तो इस वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इस स्थिति में कुछ परहेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि धूम्रपान करना बंद कर दें, अन्यथा रीढ़ की हड्डी में पोषक तत्व युक्त रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है इससे। इसीलिए धूम्रपान करने वाले लोगों को अक्सर कमर दर्द हुआ करता है, या मोटापा वजन बढ़ जाना भी इसके रीजन में से एक होता है। ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनना भी बंद कर दें और गलत मुद्रा में खड़े होना बंद कर दें ताकि आपको कमर दर्द की शिकायत न रहे। जी हाँ, और क्या खाना चाहिए, चेरी खाएं। जी हाँ, एक अध्ययन से पता चला है कि 8 दिन तक दिन में 2 बार 12 औंस चेरी का रस पीने से मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव कम होता है। ताजी या डिब्बा बंद खट्टी चेरी भी लाभदायक होती है। जैतून के तेल से मालिश करें, यह भी बहुत फायदेमंद है। डिब्बा बंद सैल्मन पानी या जैतून के तेल में पैक सार्डिन फ्लेक्स सीड, जिसे हम सभी अलसी के बीज के रूप में जानते हैं, और अखरोट जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत होते हैं, इनका सेवन अवश्य करें। प्रोटीन युक्त सब्जियां लें, जैसे कि सोया। सभी प्रकार की सब्जियां और फल डिब्बा बंद जमा हुए जो कि फ्रोजन ठीक हैं, जब तक कि वे चाशनी में पैक नहीं किए जाते हैं या नमक के साथ लोड नहीं किए जाते हैं, पैक भी ठीक हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादातर कोशिश करें कि ताज़ा लें तो फायदेमंद होता है। इसके अलावा अदरक, जी हाँ, चाय के उबलते पानी में थोड़ी मात्रा में अदरक घिस करके डालें और अदरक वाली चाय पिएं, ये भी कमर दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में कार्य करता है। तो इन बातों का ध्यान रख करके आप कमर दर्द से राहत पा सकते हैं। कमर दर्द एक बहुत ही जटिल समस्या है, इसको दूर करने के लिए ये सरल और आसान घरेलू उपाय हैं। सबसे अच्छा इसमें जो होता है वो एक्सरसाइज करना होता है, जिससे कि फ्लेक्सिबल बने आपकी बॉडी। तो ये थी आज की जानकारी। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि नई वीडियो जब भी हम डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।